सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज के वचन को सुनने में, समझने में, फल लाने के लिए मेरी मदद करें। बोले पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा मुझे आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मदद करें। पवित्र आत्मा, इस वचनों पर चलने के लिए मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते चर्च बोले आमेन, 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 आमेन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में सबसे अधिक कुछ चाहता है, वो ये है कि आप पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से उसका, उसकी उपासना करें। जब बाइबल में पूछा गया कि सबसे बड़ी और महान आज्ञा कौन सी है, तो परमेश्वर ने किस चीज की ओर जोर दिया? उपस्थिति में चलने के लिए, मतलब उसकी उपासना करने के लिए। जब बाइबल में पूछा गया सबसे बड़ी और महान आज्ञा कौन सी है, तो व्यक्ति ने बोला कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे शक्ति के साथ उसकी उपासना कर। मतलब पूरा मन आपका प्रभु की ओर लगा हो, प्रभु सबसे ज्यादा आपसे अधिक यह चाहता है। और जब आपका पूरा मन परमेश्वर के साथ नहीं लगा होता, तो आप अपनी लाइफ में संघर्ष करते हो। लिख लो इस बात को। रोना आपकी लाइफ में होगा, संघर्ष आपकी लाइफ में होगा, बंधन और क्लेश आपकी लाइफ में होंगे, दुख और बीमारियां आपकी लाइफ में होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसके संपूर्ण मन से आप उसकी उपासना नहीं कर रहे, अगर आप तो प्रभु के हाथों के नीचे कभी उसका हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा, और बिना उसके हाथ के आप कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्रभु अपने पूरे मन से, आज मैं आपको थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करने की ओर लेके जाऊंगा। आपने जब आप वचन सुन रहे हो, आपने अपनी कमजोरियां लिखनी है। जब आप यहां से जाओगे, जब वचन के द्वारा जो आपको मिले, आपने 3-4 पन्ने सेलेक्ट करने अपनी कॉपी में, अपनी पर्सनल डायरी में, जिसमें आप सब कुछ नहीं लिखते, जो केवल आपकी पर्सनल डायरी है। एक एक डायरी हो जिसमें आप सब वचन लिखते हैं, पर प्रभु के दासों को सुनते हैं, नोट करते हैं वचनों को, पर एक डायरी होती है जिसमें जो आपको प्रभु ने वचन दिया पर्सनली, जो आपसे प्रभु ने कुछ करने को बोला है, और जो प्रभु ने उस वचन के द्वारा कोई स्पेशल बात आपसे कही है, और उस वचन से कुछ वायदा आपसे मांगा है प्रभु ने, और आप उसे अपनी डायरी में लिखा है। क्योंकि अगर आप अपनी जो प्रभु ने बातें आपसे की हुई है, उन्हें अगर आप अपनी मेन डायरी में लिखोगे, जिसमें आप वचन भी लिख रहे हो, जिसमें कोई टीवी पे प्रचार सुन रहे हो, कोई आप चर्च में प्रचार सुन रहे हो, जब आपने कोई बाइबल वैसे ही पढ़ रहे हो और नोट कर रहे हो, आए तो आपको तो ढूंढे आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी कठिन समय में, जब आपको वो बातें प्राप्त करनी होगी जो परमेश्वर ने केवल आपके लिए दी थी, जिसमें परमेश्वर ने खुद डायरेक्ट आपको आत्मा में हिला के आपसे बात की थी। और वो बात अगर आप इग्नोर करते हो, एक बात याद रखना, कुछ लिखनी है बातें आपको, जो उपवास प्रार्थना में आए थे 3 दिन में, उन लोगों ने तो सीरियस खास करके लिखनी है इन बातों को। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को, जो परमेश्वर की हजूरी है, आप जो बातें आपको डायरेक्ट प्रभु ने दी है, उसके लिए आपको सारी जिंदगी चौकस रहना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहते हो ओ प्रभु ने आज वचन से मुझसे बात की, अगर वो बात की तो ली, कर तो दी है, जिसको जितना दिया गया उसे उतना हिसाब भी लिया जाएगा। अब उसने आपसे बात तो की है, पर अगर आप उसकी बात को हल्के में लोगे और ढीले हो जाओगे, मान लो कब प्रभु का आत्मा किसी व्यक्ति को कहे आज से तूने रोज 3 घंटे मेरे साथ बिताने हैं दिन में, तो ये क्या कि उसको पता है ये मेरे दिमाग में, मेरे चित्त में, या किसी ने मुझे नहीं कही, ये किसी प्रचारक ने मुझे नहीं कही, ये बात पवित्र आत्मा ने मुझे हिला के अंदर से कही है। और अगर आप प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरा मन आपका अब रोज नहीं लगा प्रभु की ओर, पूरा प्राण आपका प्रभु की ओर नहीं लगा, आप प्राण के लिए चिंता कर रहे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कहां जॉब, कहां बिजनेस, पूरा प्राण आपका प्रभु की ओर नहीं लगा, पूरा मन आपका नहीं लगा, मन इधर उधर व्यस्त हुआ बातों में, और पूरी शक्ति आपने, शक्ति मतलब आप लड़ रहे हो शैतान से रोज प्रार्थना में जाने के लिए,
क्योंकि एक फाइट होती है, आपको लड़ना पड़ता है, आपको शरीर को गर्दन से पकड़कर बिठाना पड़ता है प्रेयर में, ये आराम से नहीं बैठता। अभिलाषाएं खुद अपनी मारनी पड़ती है, उसके लिए अलर्ट रहना पड़ता है। जात उसे पैदा ना होने दो, अगर पैदा हो तो मारो उसे। तो उसके लिए आपको चौकस और अलर्ट रहना पड़ता है। तो आपको पूरी शक्ति के साथ, मतलब आपको शक्ति लगानी पड़ती है, जो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, जो शक्ति आपको मिलती है उस शक्ति को आप शैतान से लड़ते हो प्रेयर करने के लिए, फायर प्रेयर करने के लिए, अपने लाइफ के जुड़े हुए हर हिस्से के लिए लड़ने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए लड़ने के लिए, अपनी चर्च टीम के लिए प्रार्थना के द्वारा लड़ने के लिए, आप शैतान से फाइट करने के लिए उस आत्मिक शक्ति को यूज करते हो। तो कहते हैं प्रभु अपने परमेश्वर पूरे मन पूरे प्राण पूरी शक्ति के साथ लव कर, उसकी उपासना कर। और आपने ये बात देखनी, जो बात पवित्र आत्मा आपको स्पेशली दे किसी खास हिस्से के लिए, उस पर तो आपको चलना ही चलना है। अगर आप उसे भूल देते हो तो आपको वो सेकंड कभी आपसे बात नहीं करेगा, सालों बीत जाएंगे। याद रखो, लिख लो पास्टर सभी लोग इस बात को, सालों बीत जाएंगे, फिर जब तक आप उस बात को देखकर याद नहीं करेंगे, ओ प्रभु आपने मुझे ऐसा चलने को बोला था, मैंने नहीं चला, मैंने नहीं किया, ओ योना नबी की तरह प्रभु मुझे यहां भेजा था, मैं नहीं गया प्रभु, पश्चाताप करता हूं। जब तक वो आप उससे फिर पश्चाताप नहीं करते और दोबारा फिर उस पर चलने की घोषणा नहीं करते, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगी। प्रभु कहते ठीक है नहीं चला, अब चल ले, एक मौका और देता हूं। और आप केवल पश्चाताप नहीं करेंगे, आप उसके उसका फल भी, उसका विश्वास का प्रगटीकरण भी, उसका सबूत भी देंगे कि हाँ अब मैं पूरा करूंगा। तो इसका मतलब हम आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि वेद पवित्र आत्मा बात करेगा जो भी आपसे वो चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? पवित्र आत्मा सबसे अधिक ये चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति के साथ समय बिताएं, आप उसको अपनी लाइफ में पहला स्थान दें। और जब आप वचन को सुन रहे हो तो आपने अपनी लाइफ की एक तो क्या करना है, दो काम आपने घर जाके करने हैं, आज बड़ी मीटिंग में बड़े फैसले, तो आपको दो काम करने जाके, एक तो अपनी कमजोरियों को लिखना है, एक अपनी कमजोरियों को लिखना है, उसकी पूरी लाइन बनानी, और दूसरा आपने अपने सारे प्रेयर पॉइंट अपनी कॉपी पर लिखने। अगर मैं आपको हाथ उठाने के लिए बोलूं इस बात के लिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों को कभी एकांत में जाके बैठ के, लगताई में जाके बैठ के, सब दबहापड़ा दपड़ी अपने बिजनेस जॉब काम परिवार से दूर दूर होके, सब चीजों से फोकस हटा के, थोड़ा सा एकांत में बैठ के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके अपनी कमजोरियों को अपनी लाइफ में लिखा है? इन दिनों की बात कर रहा हूं मैं, सालों की नहीं। कौन है? झूठ नहीं बोलना, कुछ लोग होंगे मुझे पता है। ओके, कितने लोग? 5% लोग। तो कैसे आपने सोच लिया जिस चीज के लिए आप सीरियस नहीं हो वो चीज, वो कमजोरियां आपके लिए लाइफ से दूर हो जाएंगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कैसे आपने सोच लिया जिसके विषय में आप काम नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा बैठे बैठे कभी प्रभु आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता, आपको फाइट करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, फायर प्रेयर करनी पड़ती है, आपको वचन की घोषणाएं करनी पड़ती है, आपको वचन के ऊपर जो घोषणाएं कर रहे हैं आपको बिलीव करना पड़ता है अंदर से, और बिलीव तब तक नहीं आएगा जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे। पवित्र आत्मा से तब तक परिपूर्ण नहीं होंगे जब तक उपस्थिति के साथ रोज एक दो महीने टाइम नहीं बिताओगे। ये एक पल का काम नहीं, आज आपने 40, आज आपने 5 घंटे प्रेयर किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, विश्वास से परिपूर्ण हो जाओगे, हे आप से परिपूर्ण हो जाओगे। ये कंटिन्यू से रोज करना पड़ता है, तो एक टाइम आता है आप परिपूर्ण हो जाते हैं उससे। और क्या है, तो आपने कमजोरियां अपनी लिखनी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्रेयर पॉइंट्स को, जितने भी है, मतलब एक भी नहीं छोड़ा, जितने भी प्रेयर पॉइंट है अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, अपनी कॉपी में? कितने हाथ उठाओ? ओके, 10%। तो इसका मतलब जो 90% लोग हैं वो वेट करते रहेंगे, क्योंकि वो अपनी कमजोरी के लिए सीरियस नहीं है। जब तक आपकी कमजोरी आपकी लाइफ से नहीं जाएगी, आशीष आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं होगी। जब तक पाप आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, पवित्रता ही आपकी लाइफ में कभी आशीष नहीं लेकर आएगी। पाप हर प्रॉब्लम का जड़ है, पवित्रता ही हर प्रॉब्लम की हल है। जो व्यक्ति प्रेयर करता है वो कभी पाप नहीं कर सकता, जो व्यक्ति पाप करता है वो कभी प्रेयर नहीं कर सकता, जो शरीर के अनुसार चलता है वो आत्मा की इच्छा नहीं पूरी कर सकता, जो आत्मा के अनुसार चल सकता है वो शरीर की अभिलाषाओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको समझना है ये दोनों चीजें फाइट करती अपने एक दूसरे से। इस फाइट में आपको परमेश्वर का साथ देना है, परमेश्वर ने आपका साथ नहीं देना है। एक चीज याद रखो,
परमेश्वर तो चाहता ही आप जीते, आप ब्लेस हो, आप चंगे हो, आप छुटकारा पाए। इसका मतलब आपको प्रभु का साथ देना है, आपको प्रभु का साथ देना है। अगर प्रभु ने नीनवे के लोगों को उनके पाप के विरुद्ध प्रचार करवाना था जो नानवी से, तो परमेश्वर तो चाहता था कि लोग वो मन फिराएं और मैं उन पर दया करूं, पर जोना नबी को साथ देना होता परमेश्वर का उस संदेश को लेके जाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान से समझनी, आपको पवित्र आत्मा का परमेश्वर का साथ देना होगा उस योजना को पूरा होने के लिए जिसके लिए आपको आपको उसने चुना है। तो क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, हर कमजोरी, अब कमजोरी क्या है, आपको मनन करना है। अगर आपकी लाइफ में, आपको सच में बताता हूं, अगर आप सब कमजोरियों को रखेंगे और रोज उसको उसके लिए प्रेयर करोगे। कई लोग कहते हैं मुझसे प्रेयर नहीं होती, ये सीक्रेट लिखने जो पॉइंट हो जिसे मैं खुद बोल रहा हूं उसे तो आपने लिखना ही है, आपको जो आत्मा देता है उसे लिखना है। कई लोग सोचते हैं मेरे से लंबी प्रेयर नहीं होती, ज्यादा टाइम प्रार्थना में बैठ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि टॉपिक्स नहीं आ रहे, प्रेयर टॉपिक नहीं आ रहे, कुछ मन में नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने प्रार्थना के विषय 15 या 20 भी लिख लिए, आपको 1.5 घंटे से पहले आप प्रार्थना से उठ नहीं पाओगे। 1.5 घंटे से 15 प्रेयर टॉपिक, सिर्फ 15 या 20 टॉपिक आप प्रेयर के लिख लो तो आप 1.5 घंटे से पहले वो 15 टॉपिक्स को खत्म नहीं कर पाओगे, देख लेना। पर ये कुछ टॉपिक्स आप कई लोग के, और अगली बात ये मैं आपको बताया कि आपकी प्रेयर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था बीते दिन हम प्रार्थना की विधि को बढ़ाएंगे। और क्या होगा अगली बात, जब आप अपनी प्रेयर को, ओके, आपके प्रेयर टॉपिक आपको मिल गए, और कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने प्रेयर टॉपिक्स पर प्रार्थना ही नहीं कर रहे, मांग ही नहीं रहे। मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, पर मुझे पता है कितने परसेंट होंगे, क्योंकि अब मुझे आपकी एवरेज पता चल रही है कितनी, समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे मुझे रोज मेरी उपस्थिति में, मुझे ढूंढोगे प्रार्थना कर करके, सुबह प्रार्थना की, रात को प्रार्थना की, अगली सुबह की, अगली रात की, अगली सुबह की, अगली रात की, 3 टाइम बढ़ा दी, समय बढ़ा दिया, प्रभु को पता है ये मुझे ढूंढ रहा है तो तुम पाओगे मुझे, कहते हैं। अगर ढूंढ के भी मिल नहीं रहा, कहता फिर जोर जोर से खटखटा, 2 घंटे की प्रेयर से नहीं मिल रहा है 4 घंटे कर दे, 2 घंटे से दुष्टात्मा नहीं जा रही 5 घंटे कर दे। आप जोर जोर से खटखटा रहे हो, आराम से नहीं खुल रहा, आप खटखटा रहे हो, फिर आप इमोशनल होके अपनी प्रेयर को कम नहीं कर रहे। हर रोज मैंने इतनी प्रार्थना की, इतनी उपवास रखे, फिर भी प्रभु ने मेरी क्यों नहीं सुनी। आप निराश होकर सांस नहीं छोड़ रहे, आप विपत्ति के समय सांस नहीं छोड़ रहे, आप अपनी प्रेयर को और बढ़ा रहे। आपको पता है प्रभु में कमी नहीं है, मुझे बस और बढ़ना है इसमें। हालेलुया। तो अभी जब आप देख रहे हो कि प्रार्थना जब आप कर रहे हो तो उसमें आपके प्रेयर के टॉपिक आप रख रहे हो, और कई लोग अपने टॉपिक्स को मांगते ही नहीं है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बिना मांगे, इसके लिए मैं शैतान की सबसे बड़ी योजना बताता हूं। शैतान सबसे ज्यादा आपकी किस लाइफ पे अटैक करता है बताओ, आपको महसूस हो के बोलो, ऐसे बाइबल की नॉलेज से ना बोलो, मैं 3 गिनूंगा जो बात ज्यादा आएगी, आपको महसूस करो कि शैतान सबसे ज्यादा आपके लिए किस बात पर अटैक करता है, उसकी निगाह में सबसे ज्यादा चीज रोकनी आपके लिए क्या जरूरी है। मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3 बोलो, ओके, उपस्थिति मतलब प्रेयर, कुछ प्रेयर बोल रहे कुछ उपस्थिति, ठीक है प्रेयर, क्योंकि उसे पता प्रेयर में जाओगे पवित्रता ही आ जाएगी, प्रेयर में जाओगे बाइबल पढ़ने का मन लगेगा, प्रेयर में जाओगे प्रार्थना के उत्तर मिलेंगे, मांगेंगे प्रेयर में जाओगे तो आप मांग पाओगे ना, तो मांग लिया तो आपको मिल जाएगा। अगर मिल गया आप यहां खड़े होंगे और प्रभु की बल्ले बल्ले होगी और शैतान थल्ले थल्ले होगा, समझ रहे ना, शैतान रो रहा होगा बाहर, क्योंकि इसीलिए तो वो रोक रहा है, वो आपको पता है, क्योंकि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, ज्यादातर लोगों ने अपना जीवन दिया होगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी फाइट आपके लिए शैतान की किसकी है, ये बच भी गया, उधार भी पा लिया इसने, बपतिस्मा भी ले लिया, अब चेले भी बन चुके होंगे कई लोग, अब शैतान ज्यादा सोच नहीं सकता चेले को हिलाने के बारे में, और अब शैतान को एक ही पता, अब इसकी टेस्टमनी मसीह में खड़ा है चलता जाए, बस इसकी गवाही ना बने, ये अपनी बुलाहट में ना खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब आपको वो सबसे ज्यादा मांगने से रोकता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए मुंह बंद रहता है सबसे ज्यादा प्रेयर में।
मुंह खोलना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और इसलिए जो जो बातें आज मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपने केवल सुन ली है, कल शैतान डिलीट कर देगा, क्या फायदा अगर आप नोट नहीं करोगे। तो इसीलिए हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। जो प्रीच होता है, शैतान की योजनाएं जाहिर होती है और फिर आपको पता होता है इस योजना के प्रति मुझे क्या करना है। और जब आप आगे से उसे फॉलो करेंगे, उस फॉर्मूले को यूज करोगे, शैतान रोक नहीं पाएगा आपको। तो इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब आपको मांगना है। और मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब आपने कई विषयों को आज तक मांगा ही नहीं, प्रार्थना के विषय। तो जब तक मांगा नहीं तो भूल जाओ, प्रभु बैठे बैठे करेगा, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए जब आप मांगते हो तो आपको पता, मैंने ये चीज प्रभु से मांगी थी, और यहोवा को भी पता, इसने ये मेरे नाम से मांगी है, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी से प्रार्थना करूंगा और मैं कहां जाऊंगा। जब आप कहते हैं मैंने मांगी है, तो प्रभु अपने नाम के निमित्त, अपनी महिमा के कारण उस काम को कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है यहोवा से मांगी। जो आपने मांगी नहीं परमेश्वर से, आपको लगे इत्तेफाक से हो गया, आप बोलेंगे इस बंदे ने हेल्प की है, आप यहोवा का नाम ही नहीं लेकर आएंगे पीछे, आप शारीरिक हो जाओगे, आप कई तरह बाइबल के राजाओं की तरह आप गलतियां कर दोगे, ये सब महल मैंने अपनी ताकत से बनाया है, और अगले दिन आप पागल होगे मर जाओगे। आप गलतियां कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आप मनुष्यों को महिमा दे देंगे, इस बंदे ने मेरा काम करवा दिया, इस बंदे के कारण हुआ, क्योंकि आपने यहोवा से मांगा नहीं, और यहोवा इसलिए, और आप दूसरों को प्रशंसा दे देंगे। जिसको आपने यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से मांगा है बात को, आपको पता है अगर किया है तो मेरे यहोवा ने किया, और आप उसकी स्तुति करेंगे। और क्या दे सकते हैं, यही तो हमने देना है, दिल से स्तुति, धन्यवाद, दिल का प्यार उसे, हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस बात में सीरियस रहना है। और एक व्यक्ति तब तक मांग नहीं पाता, आप में से बहुत सारे लोग अब ऐसे होंगे जो वर्शिप भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, पर मांग नहीं पाते, वर्शिप की उठ खड़े। कितने ऐसे लोग मांग नहीं पाते, जो उठा दो थोड़ा जो मेरे लिए इजी हो जाएगा, कुछ मांग नहीं पाते, वर्शिप करी, आराधना की भजन सुने, हेडफोन लगाए, पर मांग नहीं पाए कुछ। ओके, पता क्यों नहीं मांग पाते हो? क्योंकि मांगना आसान नहीं है, मांगना आसान नहीं है। जब तक आप उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करोगे, तब तक आप मांग कैसे पाओगे परमेश्वर से? इसलिए आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी रहती है। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, मैं उस चीज के बिना जी लूंगा, पर उपस्थिति के बिना मैं कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता व्यर्थ है। जब उसे प्रसन्न ही नहीं कहा, भरपूरी नहीं आई, पवित्र आत्मा ही ना उतरा, उसकी वर्शिप ही नहीं कही एक दो घंटा, तो मांगना क्या है? कई बार हम एक दो तीन चार दिन वर्शिप भी करते रहते हैं, फिर एंड में जाके तीन चार दिन बाद प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं। मैं आपको नहीं कहता आप भी ऐसा करो, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु अलग अलग तरह का तरीके से काम करता है, हालेलुया। तो इसीलिए आपको उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना, वर्शिप, धन्यवाद करते हुए, पापों का पश्चाताप करते हुए, पूरा मामला क्लियर करते हुए, आप पवित्र आत्मा को उतरना मांगते हुए, और आपको भरना मांगते हुए, और लिखे जब तक यहोवा मिल ना जाए उसे खोजो, जब तक यहोवा मिल ना जाए उसे खोजो, और जब वह निकट हो तब उसे पुकारो, कहते हैं। क्या बाइबल में नहीं लिखा ऐसे? लिखा है जब तक यहोवा मिल ना जाए प्रार्थना में उसको खोजो। जब आपको पता है ओह आ गया, वो फील हो रहा है, आपको महसूस हो जाता है जब वो आता है, आपको महसूस हो जाता है, आपको आपको शांति फील होनी शुरू हो जाती है, आपका जो यहां से बड़ा बोझ था वो हट जाता है, चिन्ह क्या है वो आ गया, आपको यहां पर वो बोझ हट जाता है, चिंता हट जाती है, आपके अंदर शांति आ जाती है, आपका शरीर में प्रेजेंस, वो टच ऐसे महसूस होता है कि कोई आपको ऐसे छू रहा है, या हो सकता है आप बढ़ सकते हो, और किसी भी रूप से वो आपको एक ऐसे अनुभव, जो अपने प्रेम का अनुभव, जो आप प्यार से रो सकते हो, जो आप आनंद से परिपूर्ण हो, आपको पता है वो आ चुका है मतलब। तो अब वो कहते जब वह निकट है तब उसे पुकारो, जब वो निकट है तब उसे पुकारो। कहते तुम उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, तुम कहते हो हमने उपवास की, हमने प्रार्थना की, और यहोवा हमारी क्यों नहीं सुनता, उसने हमारी क्यों नहीं सुनी? कहता है जैसे उपवास तुम रखते हो, यशायाह 58 में लिखा है,
ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। कहते जब तुम उपवास रखे, अलगताई में जाए, प्रेयर में जाए, अपना खाना दूसरों को बांटे, कंगाल की सुधी ले, दया करे तू। और उसने बहुत कुछ लिखा जब आप उचित उपवास को 58 अध्याय में पढ़ेंगे। कहते तब ऐसा करने से तू चंगा हो जाएगा। मतलब उचित उपवास, सही उपवास रखने से आप चंगे हो जाते हैं, शारीरिक रूप में भी, मानसिक रूप में भी, आत्मिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी। आप चंगियाई को ग्रहण करते हो अपनी लाइफ में, आप ठीक हो जाते हो उसमें। तो इसीलिए कई ऐसे आप करते हो आत्मिक क्रियाओं में जिसमें परमेश्वर उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इन चीजों को, इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी लाइफ में मनन करना है और याद करना है। और अगली बात, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप मांग रहे हो परमेश्वर के साथ, उपस्थिति में जा रहे हो, अब आपने ठीक है मांगा भी आपने उपस्थिति में, अब क्या होगा, जिन जिन विषयों को आपने मांगा है वो आपकी लाइफ में एक एक करके होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने लिखा मांगने वाले को मिलता है, ढूंढने वाला पा लेता है, और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसकी वायदा है। तो इसलिए आपने अपनी कमजोरियों पर मनन करना है। ओके, मैं आपको कमजोरियां बताता हूं क्या चीज होती है। आप जो आपको लगे ये मुझ में है, आपने लिख लेना है नंबर 1, जल्दी 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 एक पेज पर। ओके, अगर आप परमेश्वर को सुबह उठ के पहला स्थान नहीं देते, ये आपकी कमजोरी है। अगर आप सुबह उठ के पहले और कुछ करते हो, अपना काम, अपना ये, अपना वो, फ्रेश होने की बात नहीं कर रहा, वो आपके चॉइस है, आपने फ्रेश होकर प्रेयर में बैठना है या सीधा बैठना है आपको। तो आपको, आपने 1-2 घंटा कुछ इधर उधर किया और आप सोचते बाद में प्रेयर, अगर आप सुबह उठ के पहला स्थान, कीमती समय, फ्रेश टाइम प्रभु को नहीं दे रहे, ये आपकी कमजोरी है। ओके, अगर आपको है तो आपने लिखनी है। अगर आप रात को बिना प्रार्थना किए सोते हो, थक गए, प्रेयर नहीं की, आपकी कमजोरी है। और मैं आपको बताऊं, कभी भी शैतान आपको कहे कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी ले ले, एक दिन छुट्टी ले ले, आज रात की छुट्टी ले ले, बहुत काम किया, 10 लोगों को सुसमाचार सुनाया, 15 बपतिस्मे दुआ दिए तूने, बहुत मेहनत की, अब 3-4 दिन घूम के आ जा। प्रभु कहता हां घूम के आ जा, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चीज याद रखना, रेस्ट कर ले, और काम छोड़ दे, अपने काम रोक दे, चर्च के काम रोक दे, रेस्ट कर ले, पर प्रेयर के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी कभी आपको, ये याद रखना। अगर कभी भी शैतान आपको भरमाने की कोशिश करे, कोई बात नहीं आज रात की प्रार्थना नहीं की, तो कोई बात नहीं, मैं आपको पवित्र आत्मा से भर के बताता हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, निरंतर प्रार्थना में जागते रहो। पतरस क्या आज रात की घड़ी, सुबह उसने की होगी प्रार्थना, पर रात को ना प्रार्थना करने के कारण, कहता है क्या तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं पाया, जो पतरस कहता तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। कहता है मैं नहीं इसनों जानता। क्यों? क्योंकि रात को प्रार्थना नहीं की और उसके अंदर दलेरी नहीं आई, दुख सहने की हियाब नहीं आया, डर गया कोड़े बजते देख के, यीशु को तड़पता देख के, कि मेरे साथ भी यही होगा अगर पता चल गया कि ये भी उसके साथ था। एक प्रेयर, क्योंकि शैतान गर्जने वाला शेर है, किसको फाड़ खाए, वो तो मौका ढूंढ रहा है। आपको पता है शेर कितना चतुर होता है, हिरण को कैसे पकड़ लेता है, धीमे धीमे आके चीता कैसे पकड़ लेता है, तो वो आपको मौका ढूंढता है। इसीलिए क्यों मौका देना उसे एक रात छोड़ के प्रेयर। और मैं आपको ये भी, आप कहते हैं ये तो बड़ा बड़ा बोझ है, अरे बोझ नहीं, ये सुबह शाम प्रेयर आप 2 महीने भी बने रहे, आप देखना आपकी लाइफ में टेस्टिमनी की बारिश होने शुरू हो जाए।